तुमने शादी कर लिया मंदिर जाके? किसे पूछ के, किसे पूछ के करी है? क्या क्या है सब है, क्या है? और तू क्या दुल्हन की तरह शर्मा के बैठी हुई है? शर्म नहीं आई तेरे को ऐसा करते हुए? सो है भाई, वीडियो फैमिली कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो तुम्हारा भैया मतलब बहुत ही धमाकेदार प्रैंक के साथ आ गया, और आज की जो प्रैंक है ना बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ना आज संडे है। आज मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मत जाना आज जॉब पे, फिर भी मम्मी चले गए। तो भाई आज क्या ही बताऊँ मैं, मम्मी अभी जस्ट आने वाली है, हाफ डे था उनका। तो आज हम मतलब हम दोनों ने शादी कर ली है, तो मम्मी जैसे आती है देखते क्या रिएक्शन होता है मम्मी का। बाकी मेरे को तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि ना भाई, और ये दिखा दो शक्ल, दिखा दो कौन है ये। ये देख सकते हो, इनसे हमने शादी कर ली है। तो अभी जैसे मम्मी आती है ना, तो मम्मी का रिएक्शन देखते हैं भाई, क्या मम्मी का रिएक्शन, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो देखो मैं तो बहुत मार खाने वाली हूँ, मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो आप सब वीडियो देखो, वीडियो में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि भाई आज मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेके मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, और देखते हैं क्या होता है, बस भगवान बचाए। तो आप मतलब कैमरा तो रेडी है, मम्मी को फोन कर लो ना एक बार। मम्मी को फोन कर लो, कहाँ पे है पूछ लो एक बार। हाँ, पूछो पूछो। दिल्ली मम्मी, गैस आज बहुत ज्यादा पिटने वाला, बहुत ज्यादा, पूरा देखना आप सबको। हेलो मम्मी नमस्ते, कब तक आओगे? बस छुट्टी हो रही है, आ रही हूँ। क्या हो गया? थोड़ा जल्दी आ जाते, मेरे को काम था। क्या काम है बोलो? आ जाओ, मतलब कुछ बातें करनी थी। सरप्राइज है आपके लिए एक, आज आ जाओ। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? बहुत बड़ा सरप्राइज, आओ तो एक बार आप जल्दी, थोड़ा जल्दी आ जाओ। ओके ओके। सो गाइस मम्मी अभी है रास्ते में, जैसे मम्मी आती है तो देखते हैं क्या रिएक्शन है क्या नहीं है। भाई वीडियो देखो, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ना अंदर से बहुत डर लग रहा है। तो आप सब वीडियो देखो, मैं मिलता हूँ आपका भाई वीडियो, आइए देखते हैं बैठ के मजा आएगा। सो गाइस मम्मी आ गई है, तो आने जाने। अच्छा मैं ये कह रहा था कि सुनो, तो मंदिर से जाके आए? कौन से मंदिर गया था? कौन से मंदिर में पूजा हो रही थी? अरे वो क्या, वो क्या है सर? आज आप मतलब दोनों बाबा और गुरचला बन के बैठे, क्या है ये? आपको दिख नहीं रहा ये क्या है? वही तो पूछ रहे, कहीं मंदिर गए थे क्या दर्शन करने तुम लोग? मंदिर कहाँ गया था? तो फिर ये माला टीका, ये साड़ी चूड़ी, ये सब क्या है बता ना। मैं क्या बताऊँ? तो बोलो ना, तुम तो बोलो क्या है बोलो ना, तुम उसको बोलो बोलो, ये क्या है? क्या है तुम लोग? मम्मी हमने शादी कर ली, मम्मी हमने शादी कर ली है। क्या? हमने शादी कर ली है मंदिर जाके। किसे पूछ के, किसे पूछ के करी है? क्या क्या है सब है, क्या है? क्या है सब? थोड़ा सा सपोर्ट किया, क्या तुमने तो फायदा उठा लिया, और तुम मुझे सरप्राइज दे रहे हो, ये सरप्राइज है? आयो रे मां, अपने इसको की तोड़ दिया, तो तुम्हारे बैंड बजाओ, तुम्हारी शादी करवाऊं मैं? तुमने मेरे भरोसे का इतना फायदा उठाया, मैंने तुम लोगों को इतना सपोर्ट करा, लोग इतना मेरे को बोलते रहे, मैं सुनती रही, इसका क्या मतलब है? इससे ज्यादा मैं तुम पे भरोसा किया था, और तुमने उसका फायदा उठा लिया। मम्मी मैंने शादी नहीं किया, पहले बात तो सुनो, इसने बोला, मैं बोलूंगी कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे?
मम्मी इसने बोला कि मैं मम्मी से बात कर लूंगी, तुम शादी कर लो मेरे से। तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं है? क्यों रे, तुम्हारे उसने बोला तुम माला उठा के चल दिए शादी कर लिए, ये सब माला मैंने इसको बोला था कि माला उठा के लो, इसने बोला कि मंदिर में चलो मंदिर। तुम्हें क्या बोला था? मैंने रितिका से ज्यादा मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, तुम्हारा इतना सपोर्ट करा है, तुम लोग वीडियो बना रहे हो, अपने करियर बनाना चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी जीना चाहते हो। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं लोगों की बातें सुनती रही और तुमने आज उसका फायदा उठा लिया। रितिका है, किससे पूछ के तुमने ये कदम उठाया? कोई माँ बाप का ऐसा फायदा उठाता जिसे तुम लोगों ने उठाया? और आज के बाद से तुम लोगों की वीडियो बंद, मैंने सपोर्ट छोड़ दिया। और तुम दोबारा ना आज के बाद मुझे नजर मत आना। क्या दुल्हन की तरह शर्मा के बैठी हुई क्या दुल्हन की तरह शर्मा के बैठी हुई है? तुम कुछ करती है, भाई सपोर्ट करता है और तुम माला पहन के चलती घर में। नीचे मुकर रहे से कुछ नहीं होगा, मुझे जवाब चाहिए क्यों करा तुमने ऐसा। इतनी दूर से तुम बिहार से यहाँ पे अपना करियर बनाने आया है, इतना माँ बाप को तुम्हारा सपोर्ट मिला उनके लिए तुम कुछ करने आए और यहाँ किया गुल खिला लिया। थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए ना कि तुमने अपने भी माँ बाप का मेरा भी भरोसे का फायदा उठाया, ये क्या बात है? मम्मी इसने बोला कि मैं मतलब मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी, इसने बोला था। बोल रही थी कि अगर शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। तो मर जाने दिया होता उसको? धमकी दे रही थी मेरे को। किसी की इज्जत से मरी जाती तो अच्छा था ना। मैंने इतना सपोर्ट करा, इतना कुछ करा इसके लिए, अगर इतने पे भी ये फायदा उठा रही है तो मर जाए तो इसका मरना ही अच्छा है मेरे लिए। तो तेरे को मरने का शौक है ना, चल मेरे तेरे को मार देती हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आज के बाद ये वीडियो सब बंद, मेरा सपोर्ट एकदम खत्म। और तुम आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखाना यहाँ पे, ना वीडियो बनेगी, ना तुम इधर आओगे, ना मुझे अपनी शकल दिखाओगे, ना आज के बाद बात करोगे। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से टीला टंबर उठा के गायब हो जाओ यहाँ से। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया। तो होना चाहिए माँ बाप इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसका भी मतलब, उसके ऊपर इतने उन्होंने फायदा उठाया मेरा। तुम लोगों की बातें सुन सुन के इनका सपोर्ट करती रही, वीडियो में भी आती रही, वीडियो भी बनवा रही थी, चल बच्चे इनका सपोर्ट मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आखिर माँ बाप सपोर्ट नहीं करेंगे तो दुनिया में कौन सपोर्ट करेगा? जरा सा भी ख्याल नहीं आया कहाँ कैसे लोग। मम्मी इसने करा था मेरे को, इसने बोला कि मैं मतलब ब्लैकमेल कर रही थी ये मेरे को, इमोशनल ब्लैकमेल। तो मैं एक बार फोन करके पूछना तो चाहिए था मम्मी ऐसे ऐसा बोल रही हो। तुम मुझे खुद पता नहीं था ना, इसने मुझे क्या किया पता नहीं था, तो दोनों नशे में थे, क्या फायदा उठा लिया? तो मम्मी इसने करा क्या कि मतलब माला वाला सब फूल वूल लेके और मंदिर में पहुंच गई थी, और वहां पे पंडित जी वगैरह सबको इसने मतलब सब कुछ बोल दिया था। मैं गया, बोल रहा था कि अगर शादी नहीं करोगे मैं मर जाऊंगा, ऐसे बोल रहा। तो मार दिया था ना वहीं पे इसको, मुझे बुला लेता मैं, मार देती पता रहता तो मरने का ही शौक है, मैं मार देती इसको। वीडियो बनाते बनाते शादी तक पहुंच गई, शौक था शादी करने का तो मुझे ही बता देती हूँ पहले, वीडियो से पहले शादी ही करवा देती तेरी। अब कर लिया तो तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना मुझे, नहीं करना मुझे कुछ भी, चलो निकलो यहाँ से निकलो, दोबारा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। तुमने अपना मेरा भी फायदा उठाया विश्वास करो, अपने माँ बाप का भी। मैं तो समझी कि अच्छा लड़का है, मेहनत कर रहा है बेचारा, इसका सपोर्ट करना चाहिए। तुम्हारे भरोसे मैंने उसको भी छोड़ दिया, उससे ज्यादा तुम पे भरोसा किया। हाँ मुझे इस पर पूरा भरोसा है, ना खुद गलत करेगा ना उसको करने देगा, तो दोनों ने मिलकर गलत करा मेरे साथ। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे अपनी। ये गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और कोई गलती हुई होती तुमसे मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन ये गलती मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मम्मी अब तो शादी हमने कर लिया, तो अब जाके मैं क्या करूं? शादी कर लिया तो बर्बादी मैं कर रही हूँ ना, निकलो यहाँ से। शादी करके माला पहन के आ जाओ, शादी होगी, माला थोड़ी आगे का सोचा जिंदगी में? अब उस मंदिर में कर लिया, मंदिर में करा है, मंदिर के साथ साथ माँ बाप के भी आशीर्वाद लोग लेते हैं। तुमने माँ बाप को तो कुछ समझा ही नहीं, तो तभी तो मैंने आपको बुलाया आशीर्वाद लेने के। तो तुम्हें लगता है कि मैं इस सिचुएशन में तुमने शादी करके आगे मेरे सामने मूर्ति बन के खड़े होगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी? तभी तो आपको अगर बताना नहीं रहा तो मैं भाग भी तो सकता था। मेरा मन कर रहा है आशीर्वाद की जगह दो चार थप्पड़ लगा दो, तुम निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, निकलो यहाँ से, नहीं देखना चाहती मैं आज के बाद शक्ल तुम्हारी। तुमने मेरा फायदा उठाया, बहुत गलत करा तुमने, मेरा मन तोड़ दिया एकदम से, एकदम भरोसे का इतना फायदा उठाया आज मैं पूरा टूट गई। लोग सही थे, मैं गलत थी, कभी बच्चों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सपोर्ट का फायदा उठाते हो, हमेशा गलत रास्ते पे ही जाते हैं, कभी सही रास्ता नहीं चुनते हो। हमेशा समझाती रही, दोनों को समझाती रही, लेकिन फिर भी इनके समझ में नहीं आया। देख लोग चलते हैं,
वो कहीं नहीं जाएगी, तुम जाओ जाके ले आना। मतलब बचपन से पाल पोस के मैंने बड़ा करा, सुभाष तेरे लिए बहुत कुछ हो गया, कुछ भी नहीं है तेरे लिए। तुम जाओ यहाँ से पहले। मम्मी तो शादी हमने भी ना यहाँ से। मम्मी इनको साथ में जाने दो। साथ में अभी भेजूंगी मैं, निकलो यहाँ से। नहीं इसकी शादी तो मैं करवाती हूँ, बैठ यहाँ पे, कहीं नहीं जाना इसे। नहीं बैठ, चुपचाप बैठ, अभी करवाती हूँ शादी। अभी ऋतिक को फोन करके बुलाती हूँ, तेरी शादी तो वो करवाएगा, अभी बढ़िया से धोएगा। अब तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई, तूने मेरे बारे में नहीं सोचा, अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचा, भाई के बारे में नहीं सोचा, इतना हम तेरा सपोर्ट करते रहे, अब तूने ऐसे इतनी बड़ी कदम उठाने से पहले एक बार सोची भी नहीं। मुझे सरप्राइज दे रही है, मैं वहाँ से थकी मानी आ रही हूँ, रास्ते में मम्मी सरप्राइज है, सरप्राइज है, ये सरप्राइज देने के लिए बुलाया था मुझे। शर्म नाम की चीज नहीं थी तेरे अंदर। शादी करके माला पहन के खड़ी होगी, क्यों करा ऐसे तुमने, हैं? किससे पूछ के तुझे शादी करी? ज्यादा सब चढ़ा था तेरे को शादी करने का, तो फिर यहाँ बैठे क्यों, निकल गई होती वहीं से? बताने के लिए आए थे हम। बताने के लिए आए थे कि मेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए आए थे? तुमने मेरा इतना सपोर्ट करा, इतना मुझे आगे बढ़ाया, इतना कुछ करा मेरे लिए बचपन से, उसका मैं तुम्हें सिला दे रही हूँ। लो ये तुमने मेरे भरोसे का सिला दिया है, मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया तो, और दोबारा वो मुझे यहाँ दिखना नहीं चाहिए। आज के बाद तुम्हारी वीडियो बनी ना, तू घर से बाहर जाएगी, आज के बाद मोबाइल पे भी हाथ नहीं लगाएगी तू। बहुत देख लिया मैंने, बर्दाश्त होगी उससे, बाहर होगी आज मेरे। लोग बोलते रहे लेकिन मैंने किसी की बातें नहीं सुनी, बड़ा कदम कैसे उठा लिया। आज मुझे अपने बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है तुम्हारा सपोर्ट करने पे। इतना अफसोस मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ जितना मैंने तकलीफें उठा ली, तो आज इतना अफसोस हुआ है मुझे। इतना बड़ा कदम, सिंदूर लगा के, माला पहन के, ये साड़ी पहन के मुझे सरप्राइज दे, बता। और तेरे को जरा सी शर्म भी नहीं आई, शर्म भी नहीं आई जरा सी भी, किसी का भरोसा तोड़ते हुए। अरे मम्मी सॉरी। चुप, सॉरी मैम। तेरा सॉरी नहीं चाहिए मुझे, सॉरी। आज से तेरा घर में निकलना बंद, तेरे हाथ में मोबाइल नहीं जाएगा, ना तू वीडियो बनाएगी, कुछ नहीं करेगी, वो यहाँ दिखना नहीं चाहिए आज के बाद, जो उसके शक्ल में दिखनी चाहिए। अरे सॉरी मैम, सॉरी मैं मजाक कर रही थी, मैं प्रैंक कर रही थी, वो चला भी गया होगा अभी तो, मैं प्रैंक कर रही थी। सिंदूर ये कहाँ से लगाया मैंने, देखा अब मैंने तो कुछ पहना भी नहीं, और यही प्रैंक कर रहे थे, कैमरा वहाँ लगा हुआ है, वो कैमरा सुभाष भी लगा हुआ है। सुभाष जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो मेरे साथ मजाक कर रहे थे आपको ये नहीं लग रहा था क्या कि मैं मतलब थोड़ा थोड़ा हंस रहा हूँ, मतलब आपको देख देख के मुझे हंसी आ रही थी, मतलब गुस्सा में थी मुझे क्या तुम लोग खुशी में हो, शादी करके आए हो, तुम्हारी तो आदत है स्माइल। सो गाइस यार क्या ही बताऊं, मैं मतलब ये सोच रहा था कि मतलब एक होता है ना माँ बाप, मतलब आपको सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यार इसमें मतलब वीडियो जो हम बना रहे हैं ना, मम्मी की बहुत बड़ी सपोर्ट है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है, मतलब जो भी हो ना मम्मी के भाई सबको बोल रही, कोई अपने माँ बाप के भरोसे का फायदा मत उठाना कभी। मतलब मम्मी के ने एक ऐसा होता है ना, मतलब बहुत मतलब इन सब कामों के लिए मतलब ऐसे मतलब बोलता है, अब बोलने वाले तो बहुत होते हैं, बोलते हैं, और उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है, तो मम्मी की बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, इसलिए मैंने सोचा रिएक्शन तो भाई रिएक्शन तो बहुत फारू थी। सॉरी मम्मी है, कह रहा हूं ऐसा प्रैंक है कि मम्मी सोच भी नहीं सकती पता है प्रैंक करेंगे। बेटा बेटा इसके सब सब कुछ मैंने करवाने, मतलब ये साड़ी वाड़ी पहना है भाई, जैसे जैसे तैसे इसने पहना है खुद से, साड़ी वाड़ी पहनी, फिर माला वाला लेके आया, टीका वीका लेके, तो भाई सिंदूर मैंने रियली लगाया, यहां देखो यहां से लगा, और क्या सिंदूर लगा रखा, टीका लगा रखा, माला पहन रखा, मैं एकदम से मेरे को कहां लगा रखा है सिंदूर, ये तो वो सुड़ गया एकदम से देखते ही, सिंदूर ये क्या हो गया। सॉरी तो गाइज आप सब जरूर कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो, और